नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। आज मां भारती के वीर सपूत पद्म विभूषण की जयंती है, जिनके नाम से दुश्मन कांपते थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं देश के पहले सीडीएस जनरल स्वर्गीय बिपिन रावत जी की। आज 66वीं जयंती है। सीडीएस बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। जनरल बिपिन रावत सीडीएस बनने से पहले भारतीय सेना के 27वें प्रमुख थे। बता दें कि जनरल रावत की 8 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हो गए थे। वहीं उनकी जयंती पर सीएम योगी समेत कई नेताओं ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने लिखा, देश के पहले सीडीएस मां भारती के वीर सपूत पद्म विभूषण जनरल बिपिन रावत की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। देश में H3N2 वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अब तक 8 से ज्यादा लोगों ने इस वायरस से जान गंवा दी है। वहीं यूपी में H3N2 इन्फ्लुएंजा को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां सीएम योगी ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि H3N2 को लेकर अलर्ट मोड पर रहें। सभी जिलों में रोगियों के उपचार के लिए बेहतर व्यवस्था की जाए, हर रोगी की सघन निगरानी की जाए और दैनिक मॉनिटरिंग की जाए। आम लोगों को इसके लक्षण के बारे में जानकारी और बचाव के उपाय बताए जाए। सीएम योगी ने कहा कि सभी जिलों में अस्पतालों में इसके लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाए। अस्पतालों में 10-10 बेड की आइसोलेशन वार्ड बनाए जाएं और सैंपल की जांच के लिए जिन 13 लैब में व्यवस्था की गई है, वहां किसी भी चीज की कमी ना हो। खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, H3N2 का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, सीएम योगी द्वारा क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं स्वास्थ्य विभाग को? H3N2 इन्फ्लुएंजा का प्रकोप पूरे देश में बढ़ता जा रहा है। कल ही महाराष्ट्र में 2 लोगों की मौत हुई है, तो एक MBBS का छात्र भी शामिल है। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की स्थिति दर्ज नहीं की गई है। उसको लेकर बुधवार को ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन्फ्लुएंजा को लेकर स्वास्थ्य विभाग को काफी कुछ निर्देश दिए, जिसमें सभी अस्पतालों में 10-10 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाने को कहा गया और जिन भी 13 जगहों पे लैब की व्यवस्था की गई है, टेस्टिंग की व्यवस्था की गई है, वहां पे किसी भी चीज की कोई मरवत ना हो, किसी चीज की कोई कमी ना हो, इसके भी निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश देते हुए कहा है कि स्वास्थ्य विभाग बाकायदा जो गाइडलाइन जारी की गई है इन्फ्लुएंजा से बचाव के लिए, रोकथाम के लिए, उसको जो है जन जन तक फैलाए और देखे कि लोग हैं जो इन गाइडलाइनों का बेहतर तरीके से पालन करते हैं, कौन से लोग हैं जो इसका पालन नहीं कर रहे हैं। जो भी लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं उनको स्वास्थ्य विभाग खुद जागरूक करे, अभियान चलाए, चाहे वो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हो, चाहे वो पोस्टर बैनर लगा के हो। जिस प्रकार से डेंगू के लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अभियान चलाया गया था, उसी प्रकार से अभियान चलाने को कहा गया है स्वास्थ्य विभाग को, ताकि इन्फ्लुएंजा को लेकर प्रदेश की जनता है वो सतर्क रहे, जागरूक रहे और सभी जो गाइडलाइने प्रदेश सरकार के द्वारा आई है, केंद्र सरकार के द्वारा आई है, स्वास्थ्य विभाग ने जो गाइडलाइने जारी की है उसका वो पालन करते रहे। मयूरी, विवेक, जिस तरह से वायरस का खतरा बढ़ रहा है, अस्पतालों में अभी कैसी तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, अस्पतालों में मरीज जो है ओपीडी में पहुंच रहे हैं और कई अस्पतालों की अगर बात की जाए तो सिविल अस्पताल और ये अस्पताल में मरीजों का आना जारी है। लेकिन जब हमने सिविल अस्पताल की डॉक्टर चारुलता से बातचीत की थी इस मुद्दे को लेकर, तो उन्होंने कहा था कि इन्फ्लुएंजा एक सामान्य वायरस है, किसी को भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जैसा लोग कोविड के समय पैनिक होते थे, ये एक सामान्य वायरस है, लेकिन बुजुर्गों को थोड़ा जो है एहतियात बरतना है, सतर्कता बरतनी है और बेहतर हुआ कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में जो है वो मास्क लगा के जाए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो गर्भवती स्त्रियां हैं वो बाजारों में जाना थोड़े दिन के लिए अवॉइड करें, बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी वो बाहर निकले, और जो नवजात शिशु है उसकी देखभाल खास तौर पर परिवार के द्वारा, उसकी मां के द्वारा की जानी चाहिए, ताकि वो इस वायरस से बचा रहे। जी धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। बता दें, कोरोना के बाद H3N2 का प्रकोप देखने को मिल रहा है।
खतरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं वायरस के खतरे को देखते हुए सीएम योगी ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड रहने के निर्देश दे दिए हैं। तमाम निर्देश दिए गए हैं। पीएम मोदी के 24 मार्च को प्रस्तावित काशी आगमन से पूर्व तैयारियों को अंतिम रूप देने और जायजा लेने के लिए सीएम योगी 17 मार्च को 2 दिवसीय दौरे पर काशी जाएंगे। मुख्यमंत्री शुक्रवार को 4 बजे वाराणसी पहुंचेंगे और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इस दौरान सीएम शहर की सबसे बड़ी समस्या जाम से निजात के लिए किए गए प्रयासों पर भी पुलिस अधिकारियों से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार की शाम सर्किट हाउस में पीएम मोदी के हाथों लोकार्पित और शिलान्यास होने वाली परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसी दौरान लोकार्पण और शिलान्यास की सूची भी तय होने की उम्मीद है। इसके बाद वे पीएम मोदी के प्रस्तावित जनसभा स्थल का भी निरीक्षण कर इस पर भी निर्णय करेंगे। देर रात सीएम परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। इससे पहले वे जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों को अंतिम रूप देंगे। खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, प्रधानमंत्री मोदी काशी के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, वहीं विकास कार्यों की समीक्षा सीएम योगी करेंगे, क्या कुछ पूरी जानकारी? मयूरी, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बनारस के दौरे पर जाएंगे, जहां वो आपको बताएं कि कई शिलान्यास करेंगे, साथ ही साथ कई अहम परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। इस दौरान अगर बात की जाए तो सूची तय करके और पूरे कार्यक्रम को उनके जो तय किया गया है उसमें साफ तौर से देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका बनारस संसदीय क्षेत्र है, और साथ ही साथ अगर देखें तो देश के प्रधानमंत्री लगातार अपने संसदीय क्षेत्र आते हैं और जो उनके वोटर्स हैं, जो उनकी जनता है, उनसे मिलते हैं। तो आपको बताएं कि प्रधानमंत्री की 24 मार्च को प्रस्तावित रैली है, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री जो तमाम जो तैयारियां हैं उनको परखने के लिए आज काशी पहुंचेंगे। आपको बताएं कि 4 बजे वाराणसी पहुंचेंगे, साथ ही साथ कई विकास कार्यों को, जो अहम परियोजनाएं हैं, उनका लोकार्पण करेंगे। साथ ही आपको बताएं मयूरी कि अगर देखें बनारस को, तो बनारस के अंदर में कहीं ना कहीं बदलाव आया है, मगर अगर देखें यातायात की सुविधा से तो ट्रैफिक की समस्या से पूरा बनारस जूझ रहा है, जिसको लेकर कुछ ऐसी व्यवस्था भी की जा सकती है कि बनारस को जाम मुक्त कैसे बनाए, ट्रैफिक को कैसे वहां से हटाए। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसे वहां पर जाम की समस्या से निदान दिलाते हैं। साथ ही अगर बात करें तो पीएम मोदी के प्रस्तावित जनसभा स्थल का निरीक्षण करके और जो जहाँ उनका प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं वहाँ कई अहम परियोजनाओं को लोकार्पण कर रहे हैं, साथ ही साथ कई जगह वो दौरा करेंगे, इसको लेकर पूरे तैयारियां की जा रही हैं, मंच बनाए जा रहे हैं, साथ ही साथ उनके उद्बोधन के लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। जी विवांशु, पीएम मोदी काशी पहुंच रहे हैं, काशी की जनता को क्या कुछ सौगात मिल सकती है? जी, अगर बात की जाए तो जो तत्काल में अगर देखे तो बनारस के अंदर में हाईवे की परियोजनाएं चल रही है, साथ ही साथ टेंट सिटी की कार्य चल रहे हैं, विभिन्न परियोजनाओं पे काम हो रहा है। तो माना जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री उन कार्यों का अगर देखे तो उद्घाटन कर सकते हैं जो कार्य संपूर्ण हो चुके हैं। साथ ही अगर बात की जाए कुछ अहम नए परियोजनाओं को भी सौगात बनारस को दे सकते हैं। जी धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज सहारनपुर दौरे पर है, जहां डिप्टी सीएम राधास्वामी सत्संग ब्यास के समागम में शिरकत करेंगे। इसके बाद मंत्री जसवंत सिंह सैनी के घर जाएंगे। इसके अलावा विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं का जायजा लेंगे। सर्किट हाउस सभागार में जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक के बाद प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता करेंगे और सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के आवास पर भी जाएंगे। बता दें सहारनपुर दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, जहां वो तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे।
इसके बाद मंत्री जसवंत सिंह सैनी के घर भी जाएंगे डिप्टी सीएम। बता दें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज सहारनपुर दौरे पर हैं, जहां डिप्टी सीएम राधा स्वामी सत्संग ब्यास के समागम में शिरकत करेंगे। इसके बाद मंत्री जसवंत सिंह सैनी के घर जाएंगे। इसके अलावा विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं का जायजा लेंगे। सर्किट हाउस सभागार में जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक के बाद प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता करेंगे और सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के आवास पर भी जाएंगे। बता दें डिप्टी सीएम सहारनपुर के दौरे पर है, जहाँ तमाम कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राधा स्वामी सत्संग ब्यास के समागम में शिरकत करेंगे डिप्टी सीएम। वहीं डिप्टी सीएम विकास कार्यों का भी जायजा लेंगे। मंत्री जयवंत सिंह सैनी के घर भी जाएंगे। इस खबर पर हमारे संवाददाता गौरव सक्सेना हमसे जुड़ेंगे। गौरव, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज सहारनपुर दौरे पर हैं, क्या कुछ उनके कार्यक्रम होंगे, क्या कुछ पूरा शेड्यूल है? मैं आपको बता दूं, 10 बजे 15 मिनट पर सरसावा एयरपोर्ट स्टेशन में पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। वहीं से सरसावा लिखनी 10:30 बजे करीब राधा स्वामी सत्संग व्यास कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। उसके पश्चात 11:45 पर निर्मित सभागार के लिए उपस्थित होंगे। वहां पर शक्ति केंद्र कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा करेंगे। उसके बाद जनमंच से सीधा सर्किट हाउस में रवाना होंगे, जहां पर जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी से बैठक की जाएगी और 2:15 करीब प्रेस वार्ता भी कर सकते हैं यूपी के डिप्टी सीएम। गौरव, डिप्टी सीएम के साथ कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे, सुरक्षा के कैसे इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? डिप्टी सीएम के साथ अगर हम बात करें तो सुरक्षा के माध्यम से 150+ सिक्योरिटी रहेगी, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहेंगे, डीएम से लेकर एसपी की तक के मौजूद रहेंगे और सहारनपुर के आला अधिकारी ने जगह जगह पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम सहारनपुर की रोड पर है। देखिए किस तरह की जो साफ सफाई की गई है मुख्यमंत्री के आने पर और जिस तरह की व्यवस्था है उसको आपको दिखाना चाहूंगा, कैमरा मैन से कहूंगा कि दिखाए उसे पूरा क्लीन कर रखा है सड़कों को। डिप्टी सीएम के दौरे को देखते हुए क्या गौरव रूट डायवर्जन भी किया गया है? जी हाँ, रूट डायवर्जन किया गया है। सहारनपुर जो मार्ग है वहां से अपने बाइकार काफिले होते हुए सर्किट हाउस में रवाना होंगे। जी धन्यवाद गौरव तमाम जानकारियों के लिए। योगी सरकार का 25 मार्च को एक साल पूरा हो रहा है, वहीं पहली वर्षगांठ को पूरे प्रदेश में मनाने की तैयारी की जा रही है। कई जिलों में कार्यक्रम का आयोजन होगा और जनता को एक साल की उपलब्धियां सरकार गिनाएगी। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार योगी 2.0 का पहला साल आगामी 25 मार्च को पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने इसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी के लिए यह जश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि योगी आदित्यनाथ लगातार सबसे ज्यादा समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। साथ ही प्रवक्ता ने बताया कि अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली सालगिरह पर एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वहीं जिलों में प्रभारी मंत्रियों के नेतृत्व में पत्रकार वार्ताएं आयोजित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि राजधानी में आयोजित होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और पार्टी के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरान सीएम योगी अपनी सरकार की 6 साल की उपलब्धियों को जनता के समक्ष रखेंगे।
बता दें सभी जिलों में कार्यक्रम होगा। यूपी में 25 मार्च को भव्य तरीके से जश्न मनाया जाएगा। योगी 2.0 सरकार का एक साल पूरा हो रहा है। यूपी में 25 मार्च को भव्य जश्न मनाया जाएगा। आप बता दें कि योगी 2.0 सरकार का एक साल पूरा हो रहा है, जिसके मद्देनजर तमाम कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। बता दें उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में तमाम कार्यक्रम किए जाएंगे। यूपी में अपनी मांगों के समर्थन में उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों ने गुरुवार शाम से 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने बुधवार को पत्रकारों से कहा कि 16 मार्च की रात 10 बजे से प्रदेश के बिजली कर्मचारी 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल करेंगे, जबकि गुरुवार को देश भर में उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मियों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। वहीं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कहा कि कार करने वालों पर कार्रवाई होगी। वहीं हड़ताल से निपटने के लिए सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। बिजली कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और कंट्रोल रूम सक्रिय कर दिए गए हैं। ऑफिसर्स एसोसिएशन ने सरकार का साथ देने का फैसला लिया है। यूपी सरकार ने कमर कस ली है। वहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यूपी में बिजली कर्मियों की हड़ताल, बता दें 72 घंटे की हड़ताल का बिजली कर्मियों ने ऐलान किया है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता रितेश श्रीवास्तव हमसे जुड़ेंगे। रितेश, बिजली कर्मचारियों ने 72 घंटे के सांकेतिक हड़ताल का ऐलान कर दिया है, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए मयूरी, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो बिजली के जितने भी कर्मचारी हैं वो अपनी प्रमुख मांगों को लेकर के लगातार 3 महीने से लामबद्ध थे। उसको लेकर के इनकी वार्ता भी हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वार्ता विफल रही, जिसको लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश के जो बिजली कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर के 72 घंटे की एक सांकेतिक हड़ताल के रूप में वो अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। फिलहाल अभी जो जानकारी मिल रही है वो आज रात 10 बजे से सांकेतिक रूप से इसका विरोध जताएंगे और 72 घंटे का ये हड़ताल किया जाएगा। हमारे पीछे बिलिंग काउंटर भी सखी बंद भी है, यहाँ पर अभी तक लाइन लगी हुई थी, लंबी लाइन लगी हुई थी, कुछ देर तक इस बिलिंग काउंटर को चलाया गया, उसके बाद बंद कर दिया गया। तो अभी जो जानकारी मिल रही है वो 72 घंटे का हड़ताल चलेगा और वो सांकेतिक हड़ताल होगा। पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी कवायद की जा रही है। जो भी विद्युत विभाग संघर्ष समिति के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने यह आह्वान किया था प्रेस वार्ता के जरिए, उसके बाद जितने भी कर्मचारी हैं वो अपनी पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर के और निजीकरण के विरोध में लगातार अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और लगातार ये 72 घंटे का विरोध चलता रहेगा। वही रितेश, ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कहा है कि कार बाधित करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल मयूरी, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के जो ऊर्जा मंत्री हैं AK शर्मा, उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि जो भी कर्मचारी यदि वो अपने कार्य में रुचि नहीं रखेगा या कार्य को करेगा नहीं या जनता की समस्याओं को बाधित करेगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश उन्होंने तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया है और उन्होंने एक स्पष्ट निर्देश और भी जारी किया है कि जो भी बिजली कर्मचारी होंगे उनको सरकारी संस्थानों में निःशुल्क सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। फिलहाल अभी जो जानकारी मिल रही है वो पूरा 72 घंटे का हड़ताल होने वाला है और यह हमारे पीछे बिलिंग काउंटर भी देखिए, कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये बिल जमा करने आए थे। ये हमारे साथ देखिए, ये बिल जमा करने आए थे, हम इसके काउंटर पर क्या हुआ यहाँ पर जाते इनको बताया गया कि 2 दिन बाद है, क्योंकि 72 घंटे का जो हड़ताल है वो कहीं ना कहीं अभी से स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। फिलहाल ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट कह दिया है कि किसी भी प्रकार की व्यवधान उत्पन्न न किया जाए। वहीं उत्तर प्रदेश जो ऑफिसर्स एसोसिएशन है उन्होंने इसका बीड़ा उठा लिया है कि कोई भी समस्या नहीं होगी, यदि कोई ट्रांसफार्मर भी खराब होता है उसको भी बदलने का काम किया जाएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश में बिजली सेवाएं बाधित नहीं होंगी, लेकिन अभी हमारे पीछे अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर बिजली काउंटर बंद है, जिससे उपभोक्ता कहीं ना कहीं परेशान दिख रहे। रितेश, जानकारी के मुताबिक हड़ताल से निपटने के लिए सरकार ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल मयूरी, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश विद्युत जो एसोसिएशन है, ऑफिसर्स एसोसिएशन है, उन्होंने अपना बीड़ा उठा लिया है कि अगर विद्युत कर्मचारी हड़ताल पे जाते हैं तो वो अपनी व्यवस्थाओं के साथ लैस रहेंगे
और जो भी समस्याएं विद्युत संबंधी जो भी समस्या आएगी उसका निस्तारण करेंगे। यदि कहीं शटडाउन होता है या कहीं बिजली कटती है, कोई समस्या होती है, तो तत्काल प्रभाव से और अतिरिक्त लोगों को लगाया गया है, उनकी तैनाती भी की गई है, व्यवस्था भी की गई है लगातार सभी बिजली घरों पे। फिलहाल अभी जो स्पष्ट रूप से जो बिजली संघर्ष समिति के जो पदाधिकारी उन्होंने जो स्पष्ट कहा, तो आज रात से कहीं ना कहीं सांकेतिक रूप से हड़ताल देखने को मिल रही है और अभी से देखने को मिल रहा है हमारे आसपास पीछे ये उपभोक्ता ही खड़े हैं जिनको यहाँ पर अपना कुछ कार्य करवाना था और यहाँ पर कार्य नहीं हो पा रहा है, काउंटर बंद है, इस वजह से परेशान। आपके पीछे जो उपभोक्ता खड़े हैं आप उनसे बात करने की कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल, आप यहाँ बिजली का बिल जमा करने आए थे, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप, क्या कर क्या काम, गाड़ी में काम करते हैं। तो आप यहाँ बिजली बिल जमा करने कितना बजे आए, हमारे 9 बजे। तो कितनी देर तक आपको लगेगा, लोग के पीछे आप लाइन के लगे जानकारी भी दी नहीं है मोदी, क्योंकि यहाँ पर अभी हड़ताल का जो आपको यहाँ सांकेतिक रूप से जो हड़ताल कहा जा रहा है, मिलिंग काउंटर बंद दिख रहा है, कुछ लोग अपना नौकरी पेशा छोड़ करके अपनी दुकान को छोड़ के किसी भी समस्याओं से यहाँ तक पहुंचे होंगे बिजली का बिल जमा करने के लिए। अभी पिछले दिनों में भी 7-8 दिन के लिए ऑनलाइन सेवाएं ठप कर दी गई थी, उसके बाद बिल बनने में भी समस्याएं आ रही थी, उसके बाद 5 तारीख के बाद से जब बिलिंग काउंटर शुरू हुआ तब उसके बावजूद भी यहाँ पे उपभोक्ता कहीं ना कहीं परेशान दिख रहे हैं। ये पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में ऊर्जा का जो स्रोत है, सबसे बड़ी जो दैनिक चीजें होती है, अगर वही इस तरीके से हड़ताल पर जाएंगे तो कहीं ना कहीं समस्याओं का सबब जनता को झेलना पड़ेगा। रितेश, ये जो बिजली कर्मियों द्वारा 72 घंटे हड़ताल करने का ऐलान किया गया है, इसमें कितनी संख्या में कर्मचारी शामिल होंगे? देखिए, पूरे प्रदेश भर से ये सांकेतिक रूप से हड़ताल का हड़ताल की बात कही जा रही है, वो 72 घंटे की हड़ताल है और प्रदेश भर से हर इकाई से हर जितने भी पावर हाउस है, जितने भी बिजली के कर्मचारी हैं, वो सभी कहीं ना कहीं हड़ताल पर नजर आएंगे। लेकिन उसके लिए भी सरकार ने कहीं ना कहीं से अतिरिक्त व्यवस्थाएं की है कि कहीं से बिजली व्यवस्थाएं बाधित ना हो पाए, ऊर्जा मंत्री ने साफ स्पष्ट कह दिया है। यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो तत्काल संबंधित लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी। उत्तर प्रदेश आभूषण एसोसिएशन का भी कहना है कि वो अपनी तरीके से पूरी तैयारी कर चुके हैं, यदि कोई समस्या आती है उससे निपटने के लिए वो तैयार है। फिलहाल अभी 72 घंटे का सांकेतिक हड़ताल आज रात 10 बजे से चालू होगा और उसका असर अभी से देखने को मिल रहा है। और रितेश, देखने वाली बात होगी इस पूरे मामले पर शासन प्रशासन क्या कुछ कदम उठाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।